खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बोराई लिखमा और घुटकेल ग्राम पंचायत है। यहां के लोगों को न बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और न ही बिजली पानी। ग्रामीणों का कहना है कि बोराई में अस्पताल जरूर खुला है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ हमेशा नदारद रहते हैं। ऐसे में समय पर इलाज नहीं मिलने से कई ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बिजली पावर स्टेशन होने के बाद भी बिजली नहीं आती है, जिससे रात में ग्रामीणों को जंगली जानवरों का खतरा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि बुनियादी सुविधाओं के लिए सैकड़ों बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। बुरे की मुख्य मांग वही है कि वहाँ पे जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर पदस्थ नहीं है। वर्तमान में एक डॉक्टर वहाँ पे पदस्थ किया गया है, क्योंकि वो महिला डॉक्टर है, उसके रहने की व्यवस्था करके विद इन 1 वीक वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट। कुछ इश्यूज है, कुछ स्टाफ को लेके इश्यूज है, तो स्वास्थ्य के कर्मचारी को मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे अभी पदस्थ हुई है, लड़की है, तो उसके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। प्रशासन के इस विधेयक हम वापस लेकर बैठे खासकर के सिविल अस्पताल की समस्या है भैया। 15 तारीख की बात करें, गर्भवती माता तड़पत रही थी, 12 बजे आई मैडम, मैंने को कहीं देखी नहीं एक बार, जबकि सिस्टर रही से स्टाफ नर्स है, वह मेडिकल ऑफिसर रही से सुखदेव मैडम, गर्भवती जब आए है तड़पा थे तो उन्हें देखना चाहिए कि नहीं, वहाँ नहीं ना थोड़े से देखे के बाद 2 बजे अपन गायब हो गई। बोला पता नहीं है मितानी ना ना सिस्टर ना, और बाद जब मैं आके देखे ना तो रेफर करा थे इसी टाइप की साहुल, और मितानी फोन करी गनीमा साहब ने मितानी दी से, तब बोला कहीं भी लेके होकर जान ला बचाई अमी रहती थका होती साहू, मोर मितानी फोन करी की दीदी रेफर करा थे हमारे सरपंच रहू मितानी हमारे पड़ोस सरपंच है ओकर साथ में नहीं है। हम मांग को वापस लेना चाहते हैं। हम जिला प्रशासन का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमको अस्पताल दिया है, हमको यहाँ पे सही वो दिया है, शैक्षिक के लिए भी दिया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल गए कि यहाँ सुविधा देना भूल गए। तो हम लोग इस चीज़ों को नहीं रखना चाहते। हम तमाम यहाँ क्षेत्र की जनता जो है समथिंग 12,000 के आसपास चारों पंचायत 8 गाँव के लोग जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने के बाद जो है हम ये सारी योजनाओं को प्रशासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको वापस लेना चाहते हैं, वापस देना चाहते हैं, क्योंकि ये मात्र 100 PC है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर्स है, ना कुछ, ना अस्पताल में देखेंगे डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल में देखेंगे तो वो आपका स्टाफ स्कूल स्टाफ नहीं है, थाने में देखेंगे थाने स्टाफ की कमी है, आपका जहाँ जहाँ भी देखेंगे हर जगह पे सुविधाओं की कमी है। इस वजह से पूरे जो जनता है यहाँ क्षेत्र की वो लामबंद हुई है, और लामबंद होने का कारण ये है कि जो सुविधा उनको मिल रहा है वो भी उन वापस करना चाहिए।